हेलो एंड वेलकम टू रुक्सास किचन। आज हम बनाएंगे फटाफट से बनने वाला हेल्दी और टेस्टी बेसन का चीला। इसको आप चाहे नाश्ते में बना सकते हैं या फिर शाम के चाय के साथ भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन फौरी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोसीजर। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में एक कप बेसन डाला है, एक मीडियम साइज की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, अदरक और लहसुन का पेस्ट आधा टीस्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया एक टेबलस्पून। आप चाहे तो बिल्कुल बारीक काट कर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको एक पेस्ट में बना लेंगे। अगर आप एक साथ पानी डालेंगे तो लम्स रह जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले हम पानी ऐड करेंगे और थिक पेस्ट में इसको बना लेंगे। तो देखिए आप अच्छे से ये पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको हम बिल्कुल लस्सी के जैसा इसको हम कंसिस्टेंसी रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा बेसन का घोल होना चाहिए, ना बिल्कुल पतला और ना ही बिल्कुल गाढ़ा। तो अब हम डालेंगे चीला। तो यहाँ पर मैंने एक तवा गरम कर लिया है, फिर इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से इसको फैला लेंगे, इससे चीला तवे को चिपकेगा नहीं। तो बेसन के घोल को हम फिर से मिक्स कर लेंगे क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करके उसके बाद चमचे से इस तरह से किनारे से हम इसको डालते हुए आएंगे। और बाकी बची हुई जगह को भी अच्छे से हम फिल कर लेंगे। अब इसके साइड से हम एक चम्मच तेल डाल देंगे और 2 से 3 मिनट इसको हम पका लेंगे। तो चीले को मैंने लो मीडियम फ्लेम पर पका लिया है 2 से 3 मिनट तक। तो आप देख सकते हैं चीले का कलर यानी बेसन ऊपर से पका हुआ दिख रहा है। अब हम इसको धीरे से पलटा लेंगे, पहले किनारे इस तरह से छुड़ा लेंगे, उसके बाद इसको हम पलटा के दूसरी तरफ से भी हल्का लाल होने तक सेक लेंगे। तो चीला दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बेसन का चीला तैयार हो चुका है। आप इस चीले को चटनी या फिर सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुक्सास किचन।